अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने पहले भी मन्नत को अपनी बहू माना था और आज भी मैं मन्नत को ही अपनी बहू मानती हूँ। आज से तुम मेरी बहू हो और इबादत के चंगुल से तुम्हें अपने शौहर को कैसे बचाना है ये तुम तय करोगे और इस सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुभान कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ सोने। बाहर? पर क्यों? ये तुम्हारा कमरा है, हमारा कमरा है। जानता हूँ, लेकिन मुझे तो कमरे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तुम्हारी मौजूदगी से है। तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो मेरा दम घुटता है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ सोने। मेरे साथ तुम्हारा दम घुटता है? ठीक है, गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। तुम बाहर क्यों जाओगे? मैं जाती हूँ। नहीं बादल, तुम बाहर क्यों जाओगी? प्रॉब्लम मुझे तुमसे है, तुम्हें मुझसे नहीं है। तो बाहर मैं जाऊंगा, तुम सो यहाँ पर आराम से। सुभान, अल्लाह ये किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे? कौन सी गलती हो गई मुझसे? क्या सुभान से मोहब्बत करना गलती है? अन्नत की इज्जत बचाना गलती है? सारे इल्जाम अपने सर पे लेना क्या वो गलत है? इस घर का नाम बचाना ये मेरी गलती है? क्या गलती है मेरी कि तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? मेरे मौला, जो शख्स मेरी मोहब्बत है, मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है, उसी को मुझसे दूर होता हुआ देख रही हूँ मैं। और मैं मजबूर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे मौला, मैं सुभान को खोना नहीं चाहती। मेरे मौला, मुझे हिम्मत दे, प्लीज प्लीज कोई रास्ता दिखा कि मैं अपने सुभान का दिल जीत लूं। सिर्फ 3 दिन और सुभान सिर्फ मेरा होगा और मुझे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये वादा है मेरा आप। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। हे अल्लाह, मुझे मेरे लंबे घने काले बाल बहुत याद आते हैं। आखिर उन्हीं की तो लटों में उलझकर राहत साहब फंस गए थे और उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था। तुम इस घर की खुशियों को आग लगा कर बैठी हो और कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं। मुझे पता था कि तुम नागिन हो, लेकिन जहरीली कितनी हो वो आज पता चला। आज मैंने तुम्हारा सर अगर नहीं कुचल दिया ना तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। मैंने क्या किया आपा? बिना बात के मेरे पीछे पड़ी है, आखिर मेरी गलती क्या है ये तो बताइए। क्या कर रही आप? क्यों मार रहे हो? आज तो तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सच्चाई बताने की? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो लौट लूंगी मैं तुम्हारा। बता, मन्नत को गजल की कहानी क्यों बताई? इन्हें कैसे पता चल गया कि मन्नत गजल का सच जानती है? आज हमें आपा मुझे नहीं छोड़ेंगे। आपा, मैंने कुछ भी नहीं बताया। देखिए आपा, माफ कीजिए आपा, मुझे लाख बुराइयां है मगर मैं इतनी भी जलील नहीं हूँ कि बच्चों के सिर पे ऐसा हाथ तोड़ूंगी। अगर मुझे पता ना होता तो मैं बहुत पहले ही बता देती ना आपा। आपा, और क्योंकि आज तेरा मार मार के रुक गई।
खुदा की कसम गजल का जिक्र तुम्हें अपने आप से भी नहीं करती तो फिर मन्नत से क्या खाक करूंगी मैं। तो फिर मन्नत को कैसे पता चला? कैसे पता चला उसे कि इस घर में गजल नाम की भी कोई हुआ करती थी? किसने बताया उसे? अरे मुझे क्या पता किसने बताया, मैंने नहीं बताया। आपा देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, गजल का राज इस घर में तकरीबन सभी जानते हैं, किसी के भी मुंह से निकल गया होगा, मुझे क्या पता, मैंने नहीं बताया। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे और जुल्म मत कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गुलनास, कि किसी के भी मुंह से निकल गई और मन्नत ने सुन लिया। तुमने ही बताया होगा। मैंने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया? तो फिर ये काम जरूर कायनात का होगा। खैर करे या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे इस हमीदापा के कहर से बचा लिया, वरना ये तो आज मेरा भरता ही बना देती। ओ भाई, मगर अब कायनात को कौन बचाएगा? चल क्या रहा है मन्नत अप्पी? एक तरफ अब हम सब के साथ मिलकर इबादत अप्पी की दुनिया उल्टी पुल्टी करती रहती है और दूसरी तरफ यहाँ अकेले में बैठकर अपनी बहन पर प्यार लुटा रही है। कहीं आपने पार्टी तो नहीं चेंज कर ली? मेरे एक सवाल का जवाब तो निकाल। क्या इस सेमेस्टर में फिर से फेल होते होते बची हो ना तुम? हाँ, सबसे कम नंबर मेरे ही आए हैं। लेकिन आपको कैसे पता ये? तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों से अंदाजा लगा लिया मैंने। जिसका आईक्यू लेवल तुम जितना हो वो अच्छे नंबरों से पास तो हो ही नहीं सकता है ना। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो छुटंकी, और अपने दिमाग में बिठा लो। अगर अगली बार मुझसे सवाल किया या मुझ पे शक किया या मेरी किसी बात का कोई और मतलब निकाला ना, तो मैं ना तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगी, समझी? आखिरी बार जवाब दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं इबादत पर प्यार नहीं लुटा रही थी, मैं उसे अगला जख्म देने की तैयारी कर रही थी, उसे अच्छे दिनों के ख्वाब दिखा रही थी ताकि इबादत को तसल्ली हो जाए कि सब कुछ ठीक होने वाला है, और वो कोशिश करना ही बंद करते। अगर इबादत कोशिश ही नहीं करेगी तो उसके और सुभान के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, समझी? वाह अप्पी वाह, आप तो गुरु है गुरु, क्या बात है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे क्या पूछने आई है? मन्नत को गजल के बारे में तुमने ही बताया है ना? इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी, और उस औरत का नाम औरत का गजल रहमान। गजल रहमान। गजल रहमान। मैंने मन्नत को कुछ नहीं बताया, अब और मैं उसे कुछ क्यों बताऊंगी? हाँ तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैंने आज तक तुम्हें अपनी बेटी माना है कायनात, मगर आज तुम्हें पता चलेगा कि सास कैसी होती है। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जा... Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।